अस्सलाम वालेकुम मेरे YouTube फैमिली। तो कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे और हम भी आपकी दुआ से अच्छे हैं। ठीक है तो जी, सुबह सुबह का टाइम है, आज है जुम्मा, आप सभी को जुम्मा मुबारक हो। हाँ हाँ, तुम्हें मशीन चालू है ना, तो अभी वो मार्केट जा रहे हैं, देखेंगे। हर एक हाउस वाइफ को यही प्रॉब्लम होती है कि सुबह में उठ के नाश्ता क्या बनाऊं, दोपहर में साला क्या बनाऊं, शाम में क्या बनाऊं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हर एक हाउस वाइफ की। खाना तो चलो बना लेते हैं कैसे तभी, लेकिन सालन का और सब्जी का और सुबह नाश्ते का बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सुबह में नाश्ता तो मैंने बना दिया था, इडली सांभर और चटनी, वो तो मैं नहीं बता सकी क्योंकि मैं हर दो तीन बार डाल चुकी हूँ रेसिपी, तो फिर से वही क्या बनाऊं दिखाऊं बोलने की वजह से मैं ही नहीं दिखाई। तो आहिल के पापा भी गए हैं मार्केट, पता नहीं वो क्या लेके आते हैं, फिश लाए तो बुलाए या तो गोश्त लाए तो बुलाए, उनकी मर्जी है, जो भी लाएंगे सलाह बनाऊंगी मैं। तो जी, सुबह सुबह का टाइम हो रहा है अभी 10:30-11 का टाइम हो रहा है और यहाँ का वातावरण थोड़ा भी अच्छा नहीं है, बारिश जैसा आ रहा है। अभी तो बारिश भी खत्म नहीं, पता नहीं क्यों ऐसा है। तो जी, मेरा काम साफ सफाई तो हो गई झाड़ू गिड़ू का, अभी मुझे ये करना है यहाँ का पोछा। और आज कुछ देख लीजिए, यहाँ पे गैस की स्टोव सभी क्लीन करके रखी हूँ, अभी मुझे सिर्फ बनाना है चावल और सालन। चावल तो बना लेती हूँ, सालन का ही प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ा आज ये है, मेरे घर का रेशन पूरा खत्म हो गया, पूरा खत्म हो गया है। तो जी, यहाँ पे देख लीजिए मेरा चावल नहीं, इसमें मेरा जारी का आटा रहता है, इसमें गेहूं का आटा रहता है, इसमें रेशन रहता है, इसमें कुछ कुछ सभी रहता था, इतना ही रेशन बचा है मेरा महीने का। सभी डब्बे खाली हो गए, देख लीजिए यहाँ पे खत्म हो गए हैं, सभी को धोना है। इवन ये मेरा चावल का डब्बा है तो चावल भी नहीं है, देख लीजिए यहाँ पे पूरा रेशन खत्म हुआ है। रेशन खत्म करने का कारण क्या है ये मैं बताऊंगी, नहीं तो कभी भी मेरे घर में रेशन खत्म नहीं होता। असली में रेशन खत्म भी नहीं करना चाहिए, हर एक लेडीज के लिए मैं बोल रही हूँ, जब थोड़ा रेशन रहता है ना तभी लेके आना, वही बरकत रहता है। मेरे अनुभव से मैं बोल रही हूँ आप सभी को, क्योंकि एकदम पूरा रेशन खत्म करके फिर से भरना वो अच्छा नहीं है, मेरा इरादा ऐसा है। इस बार मैं रेशन क्यों खत्म करी हूँ देख लीजिए, यहाँ पे है मिर्ची पाउडर है ना, तो आप सभी को बोलूंगी, ये पता नहीं दूसरे शहर में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है, जो गेहूं में या तो जारी में आते हैं ना चावल में ब्लैक कलर के, हमारे साइड नुसी बोलते हैं, तो कहीं कहीं बर्ड भी बोलते हैं उसे, और दूसरी जगह क्या बोलते हैं पता नहीं, वो में कहीं किस में से आ गए पता नहीं मुझे, लेकिन सभी में आटे में से लेके सब में भी वो घुस गए थे। मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी, दाल में यूज करते हूँ उसमें सब में भी थे, वो आटे में छान छान के मुझे यूज करना पड़ रहा था। इवन मिर्ची पाउडर में तक भी वो हो गए थे, देख लीजिए यहाँ पे झाड़, जिसे मैं अच्छी तरीके से जितना आता है उतना झलसे से छान ली हूँ और इतना वेस्ट हो रहा है, तो ऐसा हुआ था। इसकी वजह से ना मैं क्या करी, अब फिर से नया रेशन आएगा तो और फिर से उसमें घुस जाएंगे तो मुझे इतनी तकलीफ होगी, इसीलिए है ना मैं एक बार रेशन खत्म कर देती हूँ। तो अभी बचा है मेरे पास इतना वाला ही रेशन, तो इसमें भी थोड़ा बहुत वैसा ऐसा सामान है, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज नहीं है, तो वही वो निकाल के रखी हूँ। अभी मुझे ये डब्बों को सभी को क्लीन करना है, करूंगी अभी। तो इसका कारण यही था कि मैं रेशन खत्म करने का, नहीं तो अगर रेशन रख के भी रेशन मैं ला देती, मंथली का ग्रोसरी मैं ला देती, तो है ना सब में भी वो फिर से घुस जाते, तो सभी खराब कर देते हैं, अच्छा नहीं लगता। इसके वजह से मैं आज पूरा रेशन खत्म करी हूँ, जाके आज शाम में जाके आहिल के पापा और मैं जाके लेके आएंगे रेशन, तो तभी मैं बताऊंगी मैं क्या क्या लेके आई हूँ। वैसे भी इस बार बहुत ज्यादा लाने का है रेशन, क्योंकि पूरा खत्म हो गया ना इसकी वजह से, नहीं तो मुझे उतना नहीं लगता था, क्योंकि हम 25 kg चावल पैकेट लेके आए तो हमें 2 से 2.5 महीने लग जाते, तो इस बार मुझे चावल तेल सारा सामान लेके आना पड़ेगा। देखेंगे, 5 से 6 हजार का रेशन तो होएगा ही होएगा इस बार, ये है मेरी प्रॉब्लम। तो ऐसा है, अभी तो कपड़े धुल रहे हैं मेरे सुबह सुबह में, और बर्तन धोना है, यही काम रहता है लेडीज का, सबसे मेन प्रॉब्लम था सालन का। तो आहिल के पापा भी वही गए हैं, देखेंगे, तो ऐसे ही बने रहना। और एक मिन्नू तो अभी तक भी नहीं आई, कहाँ गई पता नहीं, अभी तक भी नहीं आई, मैं 2 दिन उसका वेट करी, 2 दिन फिर से हम ढूंढे, मिन्नू तो नहीं आई,
किसी के घर तो जरूर गई होगी, या तो क्या हुआ पता नहीं है, पूरा उधर उधर सब छान मार के आए आए कि पापा वहाँ पे सभी मरी होगी, तो थोड़ा बहुत तो वहाँ पे कहाँ तो पड़ा होगा ऐसा सोच के। मरी तो नहीं है वो, लेकिन कोई ना कोई तो उठा के ले गए उसको, जाने दो कहीं भी पलने दो, क्या करेंगे। हमारे घर में इतना दिन था उसका खाना पानी है ना, तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो आप ऐसे ही बने रहना मेरे ब्लॉग में। और एक बात मैं बताना चाहती हूँ, जो भी मेरे वीडियो में चैनल में नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो मुझे सब्सक्राइब करके है ना मेरा वीडियो नहीं देखते प्लीज मेरा वीडियो जरूर देखना, क्योंकि मुझे आपकी सपोर्ट की जरूरत है, आपकी प्यार की जरूरत है, मुझे आगे जाना है थोड़ा, इसके वजह से प्लीज मैं रिक्वेस्ट करती हूँ दिल से मुझे ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखना, और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना है मेरे वीडियो को। थोड़ा भी अच्छा लगा ना तो प्लीज मेरे चैनल को थोड़ा आगे ले जाने की कोशिश करना। जो भी मुझे सब्सक्राइब करके रहके हैं अभी तक मेरे वीडियो को वॉच नहीं कर रहे, प्लीज मेरे वीडियो को वॉच कीजिए, उसमें अच्छा लगा तो मुझे कमेंट करके बताइए, और बुरा लगा तो भी कमेंट करके बताइए जो जो चीज मैं उसमें सुधार सकती हूँ। मुझे सच में थंबनेल लगाने नहीं आता, थंबनेल जैसा हम लगाएंगे है ना, झूठ मिक्स करके उसमें लगाएंगे ना, तो जल्दी से जल्दी हमारा चैनल ग्रो होने का चांस रहता है, लेकिन मैं वो नहीं कर सकती, मैं मुझे आता भी नहीं, लेकिन मैं वो करना भी नहीं चाहती। जितना मेरी तकदीर में है ना उतना मुझे मिलेगा, मैं अल्लाह के ऊपर छोड़ रही हूँ और आपके ऊपर छोड़ रही हूँ, इसीलिए प्लीज मेरे चैनल को थोड़ा आगे ले जाने की कोशिश कीजिए प्लीज। तो जी ऐसे ही बने रहना मेरे ब्लॉग में, देखेंगे शाम तक का मैं ऐसे ही थोड़ा 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 क्लिप शूट करूंगी, और तब तक के लिए। तो जी फाइनली आई के पापा आए हैं, वो लेके आए मटन मटन चिकन लेके आए, चिकन लेके आए और अपनी मिन्नू को मिस करे मतलब उसके लिए पाव लेके आते थे और थोड़ा बहुत चलती दाल लेके आते थे। तो यहाँ पे आ गया है चिकन, तो मैं बनाऊंगी आज चिकन का सलाद और खाना बनाऊंगी, बिरयानी बिरयानी नहीं बनाऊंगी आज, क्योंकि ठंडे के दिन बनाऊंगी बिरयानी, मूड नहीं है मेरा पता नहीं क्यों। तो दोपहर का सलने का मेरे झंझट चुक चुकी है, मुझे मिल गया है अभी चिकन, चिकन का सालन बनाऊंगी और खाना बनाऊंगी, दोपहर का टेंशन खत्म। रात को तो रोटी रहेगी या तो कुछ ना कुछ तो करेंगे, रात का देखेंगे, अब फिलहाल को जो चल रहा है वही देखेंगे है ना। तो डब्बे के लेके चले गई हूँ धोने के लिए, अब यहाँ का पोछा मारूंगी, उसके बाद मिलूंगी आपसे, नमाज नमाज पढ़ने के बाद ही मिलूंगी, तब तक के लिए ऐसे ही बने रहना। जी फ्रेंड, जब से मैंने ये इसको लिया है ना तब से मैं एक बार भी आपको पोछा मार के तो नहीं दिखाई हूँ, तो ये मुझे बहुत इजी लगता है पोछने में, और क्लीन बहुत ज़्यादा क्लीन भी होता है, इसे बहुत आसानी से है ना कुछ भी काम करते करते हम पोछा लगा सकते हैं। तो एक बार दिखा ही देती हूँ, तो देख लीजिए यहाँ पे ऐसा करते गए ना हो गया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इससे पोछने के लिए, और बहुत ज़्यादा क्लीन भी होता है, और फोन पकड़ के बात करते करते भी हम हमारा काम कर सकते हैं, तो ये अच्छा है। फर्स्ट फर्स्ट एक से दो बार है ना मुझे पोछने के लिए बहुत मुश्किल पड़ी, क्योंकि मुझे आदत नहीं थी इस चीज की है ना, इसके वजह से, लेकिन अभी है ना बहुत इजी लगता है और बहुत ज्यादा क्लीन भी होता है, तो लेना चाहते तो इसे ले सकते हो आप। तो रूम तो क्लीन हो रही है मेरी, उसके बाद बाहर का क्लीन करूंगी अच्छे से, तो देख लीजिए कितनी क्लीन होती है, माशाल्लाह बहुत ज्यादा क्लीन होती है। तो फाइनली फ्रेंड सालन बनके तैयार है, चिकन का ही सालन बना है और यहाँ पे खाना है, तो आप खाना खाएंगे। जी फ्रेंड फाइनली हमारा खाना लग चुका है, ये मेरा प्लेट है, याही के पापा का प्लेट है, मैं आज बनाई हूँ ग्रीन सालन चिकन का, तो खाना खाने के बाद मिलूंगी आपसे, क्योंकि बहुत भूख लगी है, टाइम हुआ है 2। तो जी फ्रेंड फाइनली रेशन लेके आ गए, वहाँ पे चावल पैकेट है, यहाँ पे रेशन है, अब मैं ग्रोसरी नहीं दिखाऊंगी क्योंकि व्लॉग बड़ा हो जाएगा, तो अभी आके चाय भी पी रही हूँ। तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करूँगी, आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आएगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक करना, और मेरे चैनल पे नए आए हैं तो एक सब्सक्राइब कर लेना, और जो सब्सक्राइब करके भूल गए हैं मुझे प्लीज़ मेरे वीडियो को फुल वॉच करना और मुझे थोड़ा सपोर्ट करना। तो जी अभी के लिए इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करूँगी, कल मिलूँगी अच्छे से एक व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना और मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करना, अल्लाह हाफिज़।